तत्सवेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तो सह वी कर वह हए तेजस्विनावीतमस्त वह ओ शांति 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 प्रे पाठगण हम कल चर्चा कर रहे थे सृष्टि उत्पत्ति के जितने भी मॉडल वर्तमान फिजिक्स में हैं, उन पर गहराई से विचार करें तो ईश्वर की सत्ता निश्चित रूप से सिद्ध होती है कोई भी मॉडल बिना ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किए कई प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है अब प्रश्न यह आता है कि वैज्ञानिक अनेक प्रकार के साधनों के साथ ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रैक्टिकल कर एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन ईश्वर का कहीं अनुभव नहीं होता वैसे ही मनुष्य को भी सामान्य मनुष्य को भी ईश्वर का कहीं अपने दैनिक जीवन में अनुभव नहीं होता ईश्वर ईश्वर की पूजा सब कर रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं होता अनुभव ऋषि लोग किया करते थे योगी किया करते थे योग के द्वारा समाधि के द्वारा अब तो कोई व्यक्ति ऐसा हमारी दृष्टि में नहीं है जो ईश्वर का अनुभव करता है प्रत्यक्ष करता है कहने को तो बहुत कह सकते हैं कहने को तो स्वयं ईश्वर बन जाते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि ईश्वर का अनुभव ईश्वर साक्षात करने वाले योगी का जीवन संसार से अलग होगा खैर वो यहां विषय नहीं है हम इस विषय प्रश्न पर विचार करते हैं कि उसका अनुभव क्यों नहीं होता सृष्टि की प्रक्रिया को गहराई से देख रहे हैं लेकिन फिर भी ईश्वर का कहीं नहीं लगता कि अमुक क्रिया को अमुक गति को ईश्वर उत्पन्न कर रहा है अमुक बल के पीछे ईश्वर का बल कार्य ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता सबसे पहले हम विचारें कि किसी क्रिया के संचालक अथवा कर्ता का अनुभव किन किन परिस्थिति में होता है हम संसार में बहुत सारी क्रियाएं देखते हैं उनके कर्ताओं को भी देखते हैं बहुत सारी गति देख रहे हैं उन गति गतियों को उत्पन्न करने वालों को भी हम देखते हैं नहीं तो अनुभव करते हैं बल के द्वारा कई कार्य संपन्न हो रहे हो रहे होते हुए देखते हैं उनके कर्ता संचालक को भी हम देखते हैं बल उत्पन्न करने वाले को देखते हैं अनुभव कर लेते हैं लेकिन ईश्वर का अनुभव नहीं होता वे कौन कौन सी परिस्थितियां जिनमें अनुभव हो जाता है पहली कर्ता के साकार अगर कर्ता साकार हो तो उसका कोई भी आंखों वाला प्रत्यक्ष कर सकता है साकार वस्तु को आंखों से देखा जा सकता है और दूसरा क्रिया के प्रारंभ और समाप्ति के लक्षणों का अनुभव होने पर ही कर्ता का बोध हो सकता है कर्ता साकार भी हो लेकिन दूसरी शर्त एक और भी है हमें यह अनुभव हो जाए कि क्रिया की समाप्ति हम इतना जान लेंगे ये क्रिया समाप्त हो यह क्रिया शुरू हो गई और यह क्रिया समाप्त हो गई एक क्रिया धीरे धीरे हो रही है एक क्रिया तेज हो रही है इन लक्षणों का हमें ज्ञान होना चाहिए तीसरा कर्ता में स्वयं कोई हलचल विशेष हो उसको हम अनुभव कर लेंगे तभी हम कर्ता को प्रत्यक्ष कर पाएंगे कर्ता को जान पाएंगे चौथा कर्ता के अनुभव के लिए क्रिया की विविध गतिविधियों और लक्षणों को पहचानने का ज्ञान भी अनिवार्य है और पांचवा कर्ता के निराकार होने पर सिद्धांत निरूपण के जो न्याय दर्शन के अनुसार पांच अवयव बताए उनका सम्यक ज्ञान अनिवार्य है एक एक बिंदु पर विचार करते हैं पहला कर्ता के साकार होने पर उसका प्रत्यक्ष होना सरल है हम इस संसार में विभिन्न क्रियाओं के संचालकों को देखते हैं क्योंकि वह संचालक सभी साकार हैं, शरीरधारी हैं उनमें कोई संदेह नहीं होता लेकिन ईश्वर साकार नहीं है तो उसमें संदेह रहता है न तो ईश्वर साकार है साकार हो सकता है जो लोग कहते हैं कि आवश्यकता होने पर शरीर धारण कर लेता है वो यहां विषय नहीं लाएंगे आगे आएगा वैसे ऐसा होता नहीं कि वो तो शरीर धारण कर ले परमात्मा का आकार नहीं है उसके कोई रंग नहीं है उसमें कोई गंध नहीं है उसको छुआ नहीं जा सकता उसमें कोई ध्वनि नहीं शब्द नहीं है उसमें कोई स्वाद नहीं है तो हमारी किसी भी इंद्री से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता आकार वाला रूप वाला होता तो आंख देख लेती रूप वाला ना होता चलो स्वाद होता चख लेती रसना चख लेती मान लीजिए रूप आकार नहीं होता लेकिन उसमें से ध्वनि आ रही होती तो भी उसका प्रत्यक्ष कर लेते कानों से कर लेते कि देखो ईश्वर की आवाज आ रही है वै, वैसा भी नहीं है उसको छू लेते हमारी चमड़ी से स्पर्श होता तो हम कहते देखो जैसे वायु वहती है तो स्पर्श से मालूम पड़ जाती हवा चल रही है ऐसा होता तो ईश्वर का प्रत्यक्ष होता तो वैसा भी नहीं है तो इस कारण वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता दूसरा क्रिया के प्रारंभ होने और बंद होने तेज होने और धीमी होने इनका ज्ञान होना चाहिए मान लीजिए करता प्रत्यक्ष है। एक ड्राइवर बस में बैठा और उसने बस को स्टार्ट किया स्टार्ट करके बस चल दी तो अगर हमें यह जान नहीं हो कि बस कैसे चलती है क्रिया प्रारंभ होती है तो कैसा अनुभव होता है उसके क्या लक्षण है हम ये नहीं जाने कि, कि यह क्रिया प्रारंभ हुई कि अथवा नहीं हुई तो हमें कर्ता का भी अनुभव नहीं होगा जब क्रिया ही नहीं पता चलेगी तो कर्ता कैसे पता चलेगा हम गाड़ी को चलते देखते हैं ये स्टार्ट कर दी ये ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ ये मशीन स्टार्ट हुई ये बिजली का पंखा स्टार्ट हुआ रोज देखते स्टार्ट होता हुआ लेकिन सूर्य का चमकना स्टार्ट हुआ ये हमने देखा नहीं कभी चंद्रमा का चमकना स्टार्ट हुआ ये हमने देखा नहीं कभी और बंद होना भी नहीं दिखता अणुओं की गति स्टार्ट हुई हो ऐसा हमने कभी देखा नहीं कभी अनुभव किया नहीं और बंद हो गई अभी ने अनुभव नहीं किया <coughs> पृथ्वी घूम रही है ये घूमना प्रारंभ किया था उस को प्रारंभ को हमने नहीं देखा अनुभव नहीं किया सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है उसका परिक्रमण भी हमने प्रारंभ होते नहीं देखा तो प्रारंभ होते नहीं देखा तो हमें करता का अनुभव नहीं हो सकता अगर बस चल रही हो और हमने उसे स्टार्ट होती कभी देखा ही नहीं हो तो हम ये अनुभव ही नहीं कर पाएंगे कि ड्राइवर बैठा है इसने बस स्टार्ट की थी मान लीजिए हमारा जीवन काल छोटा होता हमारा जीवन काल मिनट दो मिनट का होता और उस मिनट दो मिनट में हम बसें, रेलें कारें दौड़ते हुए रोड पर देखते किसी को भी स्टार्ट होते नहीं देखते दौड़ते देखते तो क्या हम कह सकते थे कि इन गाड़ियों को कोई ड्राइवर चला रहा है नहीं कह सकते क्योंकि हमने क्रिया के प्रारंभ को देखा ही नहीं और क्रिया के बंद होते भी नहीं देखा हम तो यही सोचेंगे कि गाड़ियां यू ही चल रही हैं जैसे आज हम सोच रहे हैं कि फोटोन कभी रुकता नहीं है पार्टी का दौड़ रहे हैं चल रहे हैं कोई चलाने वाला नहीं है कोई ड्राइवर नहीं है किसी भी क्रिया का कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है हम वैसे ही कहते हैं कि गाड़ियों को चलाने वाला कोई नहीं है बसों को चलाने वाला कोई नहीं है ट्रेन को चलाने वाला कोई नहीं प्लेन को चलाने वाला कोई नहीं और फैक्ट्री में जो मशीनें लगी उनको भी चलाने वाला कोई नहीं क्यों हमने चलते देख चलने चलना प्रारंभ होते देखा नहीं ये उतार चढ़ाव गति उतार चढ़ाव जब तक नहीं देखेंगे गति का प्रादुर्भाव और विनाश होना नहीं देखेंगे तब तक हम गति के कर्ता के विषय में कोई अनुभव नहीं कर सकते तो दूसरी कठिनाई हमारी यह है कि हम विभिन्न प्राणियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न होते और नष्ट होते देखते हैं लेकिन ईश्वर द्वारा हो रही क्रियाओं को हम उत्पन्न होते और नष्ट होते नहीं देख पाते वे क्रियाएं दीर्घ जीवी होती हैं और कुछ क्रियाएं दीर्घ जीवी नहीं भी होती हैं तो दूसरे कारण से अनुभव नहीं हो पाता जैसे साकार नहीं है ईश्वर गंध का विषय नहीं है ईश्वर रसना का विषय नहीं है ईश्वर त्वचा का विषय नहीं है अब तीसरा जब साकार करता साकार करता हो अर्थात ड्राइवर है गाड़ी में बैठा है और गाड़ी में बैठा कोई हलचल नहीं कर रहा तो क्या हम कहेंगे कि इसी ने गाड़ी को चलाया स्टार्ट हाँ किया उसके हाथों में कोई हलचल हो उसके पैरों में कोई हलचल हो तो तो हम मान लें किसने स्टार्ट किया लेकिन ऐसा नहीं है तो उस ड्राइवर में और उस बस में बैठी सवारियों में क्या अंतर है मोटरसाइकिल पर आगे बैठे या पीछे बैठे अगर मोटरसाइकिल का आगे बैठने वाला हाथ से मोटरसाइकिल पकड़ नहीं रहा स्टार्ट किया नहीं है कोई उसको क्रिया नहीं करनी पड़ रही है तो पीछे पीछे बैठे आगे बैठे दोनों हमारे लिए समान है दोनों ही सवारी है चलाने वाला कोई नहीं है मोटरसाइकिल अपने आप अप चल रही तो हम लोक में विभिन्नकर्ताओं हलचल को देखते हैं उसके शरीर में होने वाली हलचल को देखते हैं रिमोट से चलाएंगे तो रिमोट भी पकड़ेंगे कहीं सेंसर लगे हैं तो भी हाथ पर हिलाएंगे उसको देखें फैक्ट्री में श्रमिक को काम करते देखेंगे इंजीनियर को काम करते देखेंगे चिकित्सालय में डॉक्टर को काम करते देखेंगे विद्यालय में अध्यापक को पढ़ाते देखेंगे बच्चों को खेलते हुए देखेंगे वाहन चलाते देखेंगे बहुत काम करते देखेंगे तो कर्ता के शरीर में एक्टिविटी होती हलचल होती है। किसी ड्राइवर की सीट पर मुर्दे को बैठा दिया जाए तो गाड़ी कैसे ड्राइव करेगा कैसे स्टार्ट करेगा क्योंकि हलचल हाँ उसी के अंदर नहीं है तो वो क्या करेगा तो लोक में होने वाली क्रियाओं के कर्ता के शरीर की हम हलचल भी देखते हैं अनुभव करते हैं। लेकिन ईश्वर द्वारा हो रही क्रियाओं की क्रियाओं को देखते हुए भी हम ईश्वर को नहीं देख पाते तो उसकी उस उसमें क्या हलचल हो रही है भी हमें पता नहीं इसलिए भी ईश्वर का अनुभव नहीं होता तीन बातें हूं साकार नहीं है किसी इंद्री का विषय नहीं है इसलिए उसका अनुभव नहीं होता ईश्वर की क्रियाओं का आदि और अंत हम नहीं देख पाते इसलिए हमें अनुभव नहीं होता कि इस क्रिया को कोई कर भी रहा है शुरू भी किया है अंत भी करेगा और तीसरा ईश्वर के अंदर होने वाली हलचल को हम नहीं देख पाते अनुभव नहीं कर सकते इसलिए भी ईश्वर का अनुभव नहीं होता चौथा जब तक क्रिया के प्रारंभ होने और अंत होने के बीच में जो भी लक्षण हो उनका बोध नहीं होगा तब तक उसे करता का बोध नहीं हो सकता कोई व्यक्ति रेल चलाता है बस चलाता है वाईजा चलाता है वह उसे हम देखें वह वाहन को चलाते भी दिख जाएगा रोकते भी दिख जाएगा लेकिन चालक को भी देख ले, लेकिन क्रिया के आदि और मध्य में अंत में जो लक्षण होते हैं क्रिया के कि देखो अब तेज हो रही है ये मंदी हो रही है ये रुक गई ये जो लक्षण हो रहे हैं कभी इधर मुड़ रही है कभी इधर मुड़ रही है या सीधी गति में चल रही है ये जो लक्षण है क्रिया के बहुत सारे लक्षण है उसको जान उसका जान नहीं हो तो भी हमें कर्ता का अनुभव नहीं होता समझे एक बस चल रही है एक भैंस खड़ी भैंस के लिए वो ड्राइवर साकार भी है हाथ भी ला रहा पर क्या भेस जानती है कि हाथ के मोटर ये बस को ड्राइवर क्यों नहीं जानती उसे इस बात का अनुभव नहीं है वो कर्ता के अंदर होने वाली हलचल का परिणाम नहीं जान सकती और वो ये भी नहीं जान सकती कि गाड़ी चली या रुकी वो ये भी नहीं जान सकती गाड़ी तेज है कि मंदी चल रही है क्या क्या लक्षण हो रहे हैं यह भी नहीं जान सकती इसलिए उसे कर्ता का बोध नहीं होगा और पांचवा जब कर्ता निराकार हो तब तब वो जो पांच अवयव हमने बताए न्याय दर्शन के सिद्धांत निरूपण के उनका अच्छा अनुभव होना चाहिए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इनका अच्छा अध्ययन होना चाहिए उदाहरण वो उस जीवन में प्रत्येक क्रिया में हमें देखना देखने का प्रयास करना चाहिए तो जो थ्योरी जो फॉर्मूला हम अपनी क्रियाओं पर लागू करते हैं वही फॉर्मूला जो हम क्रिया नहीं कर रहे उस पर लागू होना चाहिए जैसे मैं कोई कार्य करता हूं वैसे आप भी वही वैसे ही कार्य करेंगे या कार्य हुआ दिख जाए और हमें कोई ने दिखे तो भी हम हाँ अनुमान लगा दें किसी ने किया है मेरे जैसे नहीं इसी प्रकार से जो क्रियाएं सृष्टि में हो रही हैं उनका कर्ता ईश्वर हमें नहीं दिखता इन कारणों से तो फिर हम अनुमान लगाएं उन पांच अवयवों से निर निगमन को प्राप्त करें परिणाम को प्राप्त करें कि इनका कोई करता है उसके लिए क्या चाहिए उसके लिए लॉजिक चाहिए चाहिए। फोटोन चल रहा है एटम्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है गैलेक्सियां तारे ग्रह उपग्रह ये सभी गतिशील हैं तो इसका कोई गति देने वाला है इलॉजिक। कोई बल देने वाला इन गतियों के पीछे कोई बल है बल है तो बल दे बल संपन्न कोई चेतन है ये पहले बता चुकी है आज विज्ञान प्रयोग परीक्षण और ऑब्जर्वेशन में विश्वास करता है गणित की व्याख्याओं में विश्वास करता है तो उसे उसके आधार पर ईश्वर का अनुभव हो नहीं सकता ईश्वर के लिए कोई मैथ काम कर नहीं पाएगा ऑब्जर्वेशन होगा नहीं तब वो पंच अभी ही काम आएंगे कि हम ये तो जान लेंगे एटम काम कर रहा है पार्टिकल काम कर रहे हैं तो कोई गति देने वाला है विज्ञान को यह नहीं सोचना चाहिए अगर हम यह सोचते हैं कि जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं मैथ के द्वारा जिसे समझ नहीं पा रहे हैं तो वो है ही नहीं वो सत्य नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है फाइनमैन ने उचित लिखा है मैथमेटिक्स इज not a science from our point of view in the sense that it is not a natural science the test of it validity is not experiment we must incidentally make it clear from the beginning that if a thing is not science it is not necessarily bad एग्जाम्पल लव इज नॉट ए साइंस सो इफ समथिंग इज सेड नॉट टू बी ए साइंस इट डज नॉट मीन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट इट जस्ट मींस दैट इट इज नॉट ए साइंस लेक्चर ऑन फिजिक्स पेज नंबर सत्ताईस वो कहते हैं वो साइंस नहीं है लेकिन इसका अर्थ नहीं, नहीं है कि वो सत्य नहीं है फाइनमैन को इसलिए लिखना पड़ा कि यह साइंस नहीं है क्योंकि फाइनमैन के दिमाग में भी उनकी भी ये धारणा थी कि जो एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन से प्रमाणित हो जाए मैथ से प्रमाणित हो वही साइंस है वो ये तो नहीं कह रहे कि ये जो इनसे प्रमाणित नहीं हो वो असत्य है मिथ्या है बुरा है ऐसा तो नहीं करे लेकिन ऐसा वो अवश्य कर रहे हैं कि ये साइंस नहीं है। वस्तुतः फाइनमैन मॉडर्न साइंस की परिभाषा के आधार पर कर रहे हैं कह रहे है। जैसा हमने कहा था मॉडर्न साइंस की परिभाषा जो बताई थी उसके आधार पर तो फाइनमैन का कहना सत्य है लेकिन वैदिक साइंस मॉडर्न साइंस से बहुत आगे की बात करता है जो साइंटिस्ट साइंस की जो परिभाषा देते हैं वो परिभाषा न तो पूर्ण है और नहीं उचित है विज्ञान की क्या परिभाषा है इस पर महर्षि दयानंद के विचार देखें मैं समझता हूं साइंस की परिभाषा ऐसी नहीं है और विज्ञान की परिभाषा किसी ने ऐसी दी हो ऐसा भी मेरी जानकारी में नहीं आया महर्षिदानंद ऋग्वेदाधिभाष भूमिका में वेद विषय विचार नामक अध्याय में लिखते हैं विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर के तृण पर्यंत पदार्थों के साक्षात बोध होना उनसे यथावत उपयोग का करना ये हिंदी में है और संस्कृत में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं इसी में इसी विषय में पृथ्वी तीर्ण आरभ्य प्रकृति पर्यंता नाम पदार्था ज्ञान एना यथावध उपकार गृहणम अर्थात प्रकृति से लेकर इस यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट से लेकर के और वर्तमान में जो ब्रह्मांड है पुस्तक का यथावत ज्ञान को विज्ञान कहा है और यथावत ज्ञान कैसे कैसे होता है अब यूनिवर्स में परमेश्वर से लेकर बात आई तो ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट अर्थात प्रकृति से लेकर के वर्तमान जो ब्रह्मांड है जड़ जो लोक लोकांतर हैं गैलेक्सीज हैं, वे सब सारे पार्टिकल्स वेव्स वगैरह, वे इस ब्रह्मांड का भाग हैं। और परमेश्वर जिसने इसको बनाया है संचालित कर रहा है उसका ज्ञान और जो इनको भोग रहे हैं चेतन जीवात्मा है, उनका ज्ञान ये सबका ज्ञान किस किस से होगा का ज्ञान कर्म उपासना से ज्ञान कर्म उपासना से क्या अर्थ कि सत्य शास्त्रों के वेदादि शास्त्रों के गंभीर अध्ययन के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त हो उसके आधार पर कर्म किया जाए प्रयोग किए जाए ऑब्जर्वेशन किए जाए और उनसे पुष्ट करना जिसे आज साइंस भी करता है और जो इनसे पुष्ट नहीं होते ईश्वर इनसे पुष्ट नहीं होगा और बहुत सारी बातें भी इससे पुष्ट नहीं होंगी सिद्ध नहीं होंगी तो ज्ञान और कर्म साइंस क्या कर रहा है साइंस के पास कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर वो रिसर्च करे वो स्वयं एकाकी चल रहा है और बहुत सारे मिलकर चल रहे हैं लेकिन उनके पास कोई विज्ञान का स्रोत नहीं है उनके ज्ञान का वही स्रोत है जो उनसे पूर्व वैज्ञानिक हो गए लेकिन भारतीय पद्धति में वैदिक पद्धति में वेद जो ईश्वर की वाणी है यह विषय यानी नहीं आया, अभी नहीं आया है वेद आदि शास्त्र सृष्टि की आदि से चले आए हैं वे उनका अध्ययन किया जाए वैज्ञानिकों के ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तीन चार सौ साल पुराने हैं लेकिन जब से मनुष्य बना है जब से वेद उसका विधिवत अध्ययन और उसके द्वारा ऋषियों ने जो ब्रह्मांड को समझाता ईश्वर को समझाता जीवात्मा को समझाता साक्षात्कार किया था उनके ग्रंथों का विधिवत अध्ययन उहापूर्वक अध्ययन तर्क पूर्वक अध्ययन वो करना उसके बाद जितना एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो लोग कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट करो कोई करे इस पर एक्सपेरिमेंट जिनेवा में जाकर के करे भारत की किसी लैब में जाके करे करे या भारत सरकार कोई ऐसी लैब बनाए एक्सपेरिमेंट थोड़ी या कमरे में बैठ के हो जाएगा और नहीं ये विषय ऐसा है कि किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी की सामान्य लैब में जाकर इस पर एक्सपेरिमेंट हो जाए ये तो बहुत बड़ा काम है और जिनका एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है उसके लिए तरीका बताया ऋषि दयानंद ने कर्म ज्ञान कर्म और उपासना उनके लिए समाधि योग यही सबसे बड़ा साधन है क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा फोटोन के द्वारा अनुभव करेंगे किसी चीज को देखने का प्रयास करेंगे लेकिन फोटोन को किससे देखेंगे जो ऐसी वस्तु है जो फोटोन के अंदर भी प्रवेश कर सकती है ऐसी वस्तु योगी के पास होती है होती सबके पास है लेकिन उस वस्तु पर कंट्रोल नियंत्रण योगी का ही होता है वस्तु है मन मन को एकाग्र करके मन को ध्यान आवश्यक करके मन की रश्मियों के द्वारा फोटोन के अंदर प्रवेश करके छंद रश्मियों के अंदर प्रवेश करके उनका अध्ययन कर सकते जो लैब में नहीं हो सकता वो मस्तिष्क की लैब में हो जाता है आत्मा बैठा बैठा प्रयोग करता है मन के द्वारा करता है उसके साधन है मन और उसके साधन बुद्धि इनके इन साधनों के द्वारा वो एक्सपेरिमेंट करता है इस एक्सपेरिमेंट को उपासना कहते हैं निकट बैठना ईश्वर के निकट बैठना और जो फिर भी नहीं कर पाता तो फिर ईश्वर के निकट बैठ कर ईश्वर से पूछ लेता है ईश्वर ही बता देता है ईश्वर की कृपा से पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो ध्यान सब जान हैं। नहीं इसलिए तो कहा पहले ज्ञान पहले वेदादि ये पूछ रहे हैं कि बिना साइंस पढ़े क्या वो जान लेगा सब कुछ नहीं जान पाएगा केवल ध्यान लगा के इसलिए तो कहा ज्ञान कर्म उपासना पहले ज्ञान के लिए विविध शास्त्रों का अध्ययन करे वेद और ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करें अध्ययन के पश्चात पे प्रयोग हो सकता है उन पर प्रयोग करे जिन पर प्रेक्षण परीक्षण हो सकता है उन पर प्रेक्षण परीक्षण करे जिन पर मैथमेटिक्स काम कर सकता वो मैथमेटिक्स विकसित करे जिन पे नहीं हो सकता उसके लिए उपासना का मार्ग अपनाए तो बिना अज्ञानी उपासना नहीं कर सकता विवेक उपासना के लिए सबसे पहला और प्रमुख साधन है और विवेक बिना शास्त्रों के नहीं होगा केवल ध्यान केवल से ध्यान कैसे किया मालूम नहीं पड़ेगा ध्यान क्या करना है यह मालूम नहीं पड़ेगा इसलिए ज्ञान पहले है आज जो बिना पढ़े बिना वेद पढ़े ही योगी ध्यानी समाधि वाले हो जाते हैं वो तो उचित नहीं है और जो बड़े संत हो सकते हैं बड़े आध्यात्मिक पुरुष हो सकते हैं बड़े सदाचारी लोग हो सकते हैं लेकिन वो सृष्टि को नहीं जान सकते इसलिए वेदादि का पढ़ना अनिवार्य है तो ऋषि मुनि समाधि के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया करते थे कैसी लैब थी उनके पास हम नहीं कह सकते आयुर्वेद आज केवल बिना प्रैक्टिकल के केवल ऋषियों के ग्रंथों के, के आधार पर इतना कार्य कर रहा है वैसे ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर बहुत कार्य हो सकता है महर्षि ऐत्र मैदास के इस ऐतरे ब्राम, ब्राह्मण को देख करके आश्चर्य होता है मुझे कि कैसा वो वर्णन कर रहे हैं यह दुर्भाग्य है कि कोई उस वर्णन को नहीं समझ पाया कोई उस भाषा को नहीं समझ पाया लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अपने मन के नेत्रों से सूर्य के अंदर घुस करके देख रहे गैलेक्सी के केंद्र के भीतर जैसे वो बैठे देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर क्वार के अंदर बैठे देख रहे हो और ये मुझे भी नहीं हुआ, कभी कभी भाष्य करते समय मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं सूर्य के भीतर बैठ करके उन सारी रश्मियों को अनुभव कर रहा हूं तो इसका यह है विज्ञान वैदिक विज्ञान ज्ञान और कर्म उपासना और केवल इसी को विज्ञान विज्ञानिका ऋषि ने ये सब अनुभव कर ले फिर इनका यथावत उपयोग लेना यथावत उपयोग लेना जो हम जान लिए हैं जान सकते हैं जिसको जान सकते हैं जाने और जिसको जान लिया है उसका उपयोग करें अपने लिए और संपूर्ण प्राणी जाति के लिए संपूर्ण पृथ्वीवासियों के लिए उनका उपयोग करें हमारा ज्ञान हमारा विज्ञान हमारी तकनीक परोपकार के लिए हो विश्व कल्याण के लिए हो केवल अपने लिए नहीं हो अगर अपने लिए है तो ऋषि दयानंद की विज्ञान की परिभाषा में नहीं आती अज्ञान की परिभाषा में आएगी आज विषय यही समाप्त होता है अब हम कल इस विषय पर चर्चा करेंगे आगामी जो भी आएगा कि ईश्वर है ठीक है मान लिया पर वो होता कैसा है कैसा ईश्वर है जो संसार को चला रहा है बना रहा है वो कैसा ईश्वर है ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा करेंगे ओम शम